सभा से। और आप कहाँ से मांग रहे थे टिकट? 178 तिलोई, जनपद अमेठी। आप भी तिलोई से मांग रहे थे, आप भी तिलोई से मांग रहे थे, ना आपको टिकट मिला ना आपको टिकट मिला। अब ये बताइए दल बदलू कौन बनने वाला है दोनों में से? बोल रहे हैं जो दल बदलू आया उसी को टिकट मिल गया। बेवफाई तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने किया। सुन लीजिए आप मोदी साहब, क्या करेंगे? अब तो टिकट नहीं मिला, लाठी खा लियो, जेलों में चले गए हो, अब क्या करोगे? पार्टी बदल लोगे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अगर बदलोगे तो बाय चांस तो कौन सी पार्टी में? कांग्रेस में जाओगे या भाजपा में जाओगे या बसपा में जाओगे? देखो एक बात बताऊं, नहीं मेरी टिकट का माहौल चल रहा है। ये नेताजी भी हमारे साथ है, लाल टोपी लगाए हैं, नाम बता दीजिए। हाजी मेहताब खान, तिलोई विधानसभा अमेठी 178। तिलोई विधानसभा से। और आप कहाँ से मांग रहे थे टिकट? 178 तिलोई, जनपद अमेठी। आप भी तिलोई से मांग रहे थे, आप भी तिलोई से मांग रहे थे, ना आपको टिकट मिला ना आपको टिकट मिला। अब ये बताइए दल बदलू कौन बनने वाला है दोनों में से? क्या बोल रहे हैं? जो दल बदलू आया उसी को टिकट मिल गया। दल बदलू को टिकट मिल गया? दल बदलू को टिकट, दल बदलू के सहारे चलने वाली है पार्टियां, सरकारें क्या बनेंगी दल बदलू के सहारे? बिल्कुल बिल्कुल, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो जितनी पार्टी है वो सारी पार्टियों का रास्ता तय कर चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी में आए हैं, हम स्वागत करते हैं। कितने दिन तक बताइए तिलोई से कौन लड़ रहा है, किसको टिकट मिला? मोहम्मद नईम कांग्रेस से आए हुए हैं और 35 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी चुनाव जीता नहीं है। इतिहास बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी पूछ रहे हैं कि भैया ना टिकट आपको मिला ना आपको मिला, तो ये जो दल बदलू सब नेता चले आ रहे हैं पार्टी में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, क्या लग रहा है यही सरकार बनाएंगे चलाएंगे? कुछ आम आदमी की बदवा होएगी कि भैया नहीं होएगी? देखो दल बदलू की जहाँ तक बात आ गई, नेता मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्या मजबूर है भैया? जनता, ये जनता की देन है, ये जनता की देन है। जनता को चाहिए कि जो नेता अदल बदल कर जाए उसे फदल कर दो, यानी उसको भगा दो। वो चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मौर्य हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, अगर जनता चह जाए कि मुझे दल बदलुओं को नहीं देना है। यह क्या है कि भाजपा में रह करके अपराधी है और समाजवादी में आ गया तो साफ सुथरा हो गया? तो इसको जनता को समझना चाहिए। जनता जब तक नहीं समझेगी, आज क्या लगता है आपको योगी मोदी की क्या हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए? एक बात कोई काम है उनका? सुनिए, अच्छा नेताओं को कैसा लगता है? सुनिए, जैसे आपने मेहनत करी, आपने टिकट के लिए बहुत मेहनत करी होगी अपने क्षेत्र में, फिर आपको टिकट नहीं मिला, वो कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस से नईम जी, कांग्रेस से आए, सुनो कांग्रेस से आए समाजवादी पार्टी में आ गए, तो आप सपोर्ट करेंगे नईम जी का कि नहीं करेंगे? सुनो, नईम साहब, जो नईम साहब हमारे यहाँ आए हैं उनकी गलती नहीं है, वो तो बाहर से आए। बेवफाई तो मेरे साथ मेरा नेता किया है, मुझे जो शिकवा करना है मैं राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी से करूंगा, वो नेता से क्या करना भाई? बेवफाई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। सुन लीजिए आप मोदी साहब, सुन लीजिए मोदी साहब जब आए थे 6 लाइन के उद्घाटन करने, 12 घंटे पहले मुझे रात में उठा लिया गया था थाने में, वहां अरेस्ट किया गया, रोड बनाने के चक्कर में जेल गया इसी पार्टी के लिए, झंडा उठाए थे। आज 13 साल से मैं कभी पार्टी नहीं बदला, मेरे पिताजी हाजी अकबाल खान जिला उपाध्यक्ष हैं अमेठी के। समझ आप क्या करेंगे? अब तो टिकट नहीं मिला, लाठी खा लियो, जेलों में चले गए हो, अब क्या करोगे? पार्टी बदल लोगे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अगर बदलोगे तो बाय चांस तो कौन सी पार्टी में? कांग्रेस में जाओगे या भाजपा में जाओगे या बसपा में जाओगे? देखो एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो, सुनाइए। विचारधारा जो अखिलेश यादव की है उससे मैं प्रभावित हूँ, इसलिए कि हिंदू होकर कभी राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा, श्री कृष्ण के भगवान को पूजा करने वाले कभी श्री कृष्ण के नाम पर वोट नहीं मांगा, हमेशा स्पीच आप देख लीजिए। लेकिन परशुराम जी की मूर्ति लगवाए हैं। देखो वो उन्होंने नहीं लगवाया, उन्होंने नहीं लगवाया, अच्छा ये कोई पूछे नहीं, भाजपाइयों ने ये कहा कि मुसलमान के लिए बाउंड्री दे दिया कब्रिस्तान के लिए, लेकिन लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर थाने में मंदिर बना दिया तो हमें एतराज नहीं हुआ हमें? अब की बार क्या चलेगा, क्या लग रहा है सबसे गर्म मुद्दा क्या है भैया? मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, बेरोजगारी, किसान, बोलो सुनो, जहां रह गई दुख की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बस इतना ही कहना है कि अपने कार्यकर्ताओं को जो मेहनत किया, जो लाठी खाया, जो 5 साल अपना तन मन धन झंडे के तले करता रहा, उसको आज इग्नोर कर दिया है, इसके लिए हम लोग दुखी हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप सरकार बना दीजिए और आप ही विधायक हो। तो ऐसा नहीं है कोई भी कैंडिडेट आया है, हम उसको जिताने का काम करेंगे और जनता हमारी तैयार है, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। विधायक जो बनेगा वो विधायक होगा, आप कैसे विधायक हो जाओगे? कौन? आप तो विधायक जी के साथ चलोगे ना? अरे तो वो विधायक तो मैं विधायक। अरे भाई विधायक तो मैं विधायक। अरे मैं विधायक ही तो हूँ। अरे मेरा नाम मेरा सुन लीजिए, वो कुर्सी से विधायक, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, मेरा नारा है, सुन लीजिए मेरा नारा है, ये हिंदू हमारा, ये मुसलमान भी हमारा, और ये जो मोदी साहब कहते हैं ना, सुन लो मोदी साहब के चंचो, सुनो मेरी बात, ये हिंदू हमारा, सुन लो मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नारा यही है, ये हिंदू हमारा, ये मुसलमान भी हमारा, और ये सारा का सारा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदू हमारा, ये मुसलमान भी हमारा, और ये सारा का सारा हिंदुस्तान हमारा, आओ भाई भाई की तरह रहे, ये नारा है हमारा, ये नारा है हमारा, ये नारा है हमारा, ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है समाजवादी हमारा ख्याल रखने वाले।